नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और 1 घंटे बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश के 31 मतगणना केंद्रों पर करीब 4,000 कर्मियों की तैनाती की है। आज रामनगर बहराइच मार्ग पर नहीं जा सकेंगे वाहन। आज शहर के गोंडा मार्ग पर स्थित नवीन मंडी स्थल पर होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने रूट डायवर्जन किया। बता दें ये रूट डायवर्जन सुबह 5 बजे से मतगणना समाप्ति तक रहेगी। मतगणना स्थल पर ड्यूटी के लिए आने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रत्याशियों के लिए पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है ताकि कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो। शिमला के शिक्षण संस्थान आज रहेंगे बंद। जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने बीते दिन रविवार को आदेश जारी किया। कहा कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जिला शिमला के 6 विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र घोषित शिक्षण संस्थान आज स्टाफ और छात्रों के लिए बंद रहेंगे। बता दें आदेशानुसार राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर शिमला, राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली, राजकीय ITI ठियोग स्थित जैस आज बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में आज बंद रहेंगी शराब की दुकानें। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और आज यानी 4 जून को मतगणना होगी। बता दें कि आज होने वाली मतगणना को देखते हुए छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित किया गया है। आज छत्तीसगढ़ की सभी देसी और विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। सिरमौर में आज बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। सिरमौर जिला में बढ़ती गर्मी, हीट वेव के चलते ग्रीष्मकाल में बंद होने वाले जिला के सभी सरकारी, निजी और प्ले स्कूलों को, आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रशासन ने आज बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि DC सिरमौर और अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर सुमित खिमटा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया गया है। बिहार में आज बंद रहेंगे कई रास्ते। लोकसभा चुनाव की मतगणना आज होनी है, जिसके लिए प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। इस दौरान जमुई शहर में गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह से नियंत्रित रहेगा। बता दें पुलिस अधीक्षक ने ट्रैफिक रूट मैप जारी किया। बताया गया है कि 4 जून को यानी कि आज के KM कॉलेज के आसपास नो एंट्री रहेगी। डोगना में आज होगा महेश नवमी महोत्सव का आगाज। डोगना में आज यानी 4 जून को महेश मैराथन से महोत्सव का आगाज होगा। इस दौरान कई खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। बता दें कि 15 जून को भगवान महेश की शोभा यात्रा और प्रतिभाओं के सम्मान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। श्रीगंगानगर में आज से शुरू होगी श्री इच्छापूर्ण मंदिर में शनि जयंती महोत्सव। श्रीगंगानगर में प्राचीन शिवालय के सामने स्थित श्री इच्छापूर्ति शनि धाम मंदिर में शनि जयंती महोत्सव आज यानी 4 जून से शुरू होगा। बता दें उत्सव के दौरान 72 घंटे तक तेलधारा, स्नान और भंडारा आयोजित किया जाएगा। पुजारी पंडित बाबूलाल भार्गव ने बताया आज यानी 4 जून को तेल अभिषेक सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। भीलवाड़ा में आज आनंद धाम हवेली में फूलों का पल्ला सजाएंगे। भीलवाड़ा में आनंद धाम हवेली मंदिर में आज सुबह 10 बजे फूलों का पल्ला सजाया जाएगा। बता दें कि ट्रस्टी सुमन भाती ने बताया कि लाडली लाल जी को पल्ला में झुलाया जाएगा। शाम 7:15 पर कलियों का श्रृंगार होगा। 11 जून को नाव का मनोरथ मनाया जाएगा। हरियाणा में आज से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। इस महीने के पहले सप्ताह तक गर्मी से राहत जारी रहेगी। बता दें मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 3 दिन तक प्रदेश में बारिश की संभावना रहेगी। साथ ही भीषण गर्मी और लू अपने प्रचंड तेवर दिखा रही थी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव आएगा। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। 1948 में आज के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री का जन्म हुआ। 1988 में आज के दिन भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रवीण भगत का जन्म हुआ। 2006 में आज के दिन युगोस्लाविया के पूर्ण गणराज्य मोंटेनेग्रो ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 2016 में आज के दिन हिंदी और मराठी फिल्मों की भारतीय अभिनेत्री सुलभा देशपांडे का निधन हुआ। 2018 में आज के दिन मॉरिशस में हिंदी कथा साहित्य के सम्राट साहित्यकार अभिमन्यु आनंद का निधन हुआ। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।